मुझे पता है आप सभी को MSBT एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और सभी को कंपलसरी भरना ही होगा। इस पर आप सभी बच्चों के या फिर दिस एग्जामिनेशन फॉर्म पेनल्टी फीस कितनी हो सकती है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म की फीस कितनी होगी रेगुलर बच्चों के लिए। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं आप लोग कैसे भर सकते हो MSBT एग्जाम फॉर्म विद एक्चुअल प्रोसीजर विद प्रूफ। आप ये प्रोसीजर अपने डेस्कटॉप या फिर फोन से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम डेस्कटॉप से जो भी फॉर्म है वो भरने वाले हैं। आपको सीधे गूगल पे आ जाना है, आपको टाइप कर लेना है सर्च बार में msbt.org.in, ये ऑफिशियल MSBT की वेबसाइट है। आपको इस पे सर्च कर लेना है गूगल पे, जो भी फर्स्ट लिंक आएंगे आपको उस पे क्लिक कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस वीडियो, अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किए वीडियो तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद में वेबसाइट पे आ जाने के बाद में आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर जो भी कॉलम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में आपको इधर क्लिक करना होगा MSBT ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लॉगिन, जो भी आपका होगा स्टूडेंट के लिए जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है आपको उधर दिख जाएगा। उसके बाद में आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। यस फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको एनरोलमेंट एंड एग्जाम फॉर्म लॉगिन का टैब ओपन हो जाएगा, एक कॉलम ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लिखा होगा यूज़र नेम या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। ये जब आपने एडमिशन कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में लिया होगा तब आपके मेंटर क्लास टीचर ने आपके साथ में आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर किया होगा एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंस्टीट्यूट, आपका जब भी एडमिशन हुआ होगा तब। तो जैसे कि आपने एडमिशन लिया है 2019 में तो आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 19 से। सपोज़ कीजिए अभी मेरा एडमिशन हुआ है 2000 में, अभी 2020 में, तो मेरा स्टार्ट हुआ है 20 से, लास्ट के 20 ये डिजिट मुझे मिले यूज़र नेम एनरोलमेंट के हिसाब से। उसके बाद में जो भी पासवर्ड होगा वो मेंटर या फिर क्लास टीचर मुझे प्रोवाइड करेगा। आप भूल चुके हैं आपका पासवर्ड तो मेंटर को कॉन्टैक्ट कीजिए, क्लास टीचर को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनके पास में स्टोर होता है। वेरिफिकेशन कोड या फिर जो कैप्चा हम उसे कहते हैं वो आपको इधर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको लॉगिन इस टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नया टैब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यस फ्रेंड, इस टैब पर आने के बाद में आपको दिखाई देगा ये आपका स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट लॉगिन। उसके बाद में आपको क्लिक करना है एग्जाम फॉर्म ऑप्शन होगा होम के बाद में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, आपको फिल एग्जाम फॉर्म जैसे कि आपको माउस के एरो पर दिख रहा होगा उधर क्लिक करना है। आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर या एंड स्टूडेंट नेम ये आपको दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप एकदम राइट इंसर्ट कीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर जब आप राइट इंसर्ट करेंगे तब आप SMS थ्रू आपको जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका यूज़र नेम एंड आईडी आपको मिलेगा। ईमेल आईडी भी आप बैकअप के लिए डाल सकते हैं, ईमेल आईडी ये कंपलसरी है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप इसे एकदम राइट डाल दीजिए। उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी जो आपको दिखाएगा एनरोलमेंट नंबर स्कीम। आपको फोकस स्कीम ये कॉलम पर रखना है, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर आई स्कीम ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां आपको एलोटेड सब्जेक्ट जो भी आप सेमेस्टर में हो वो आपको दिख जाएंगे, आप इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद में बेसिक फीस होगी, लेट फीस होगी, पेनल्टी फीस होगी, सुपर पेनल्टी फीस होगी और टोटल फीस। आपको रेगुलर टाइमिंग में आप पेड कर रहे हो तो आपको बेसिक फीस ही पेड करनी होगी। उसके बाद में आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका जो भी एग्जाम फॉर्म होगा वो सबमिटेड हो जाएगा सक्सेसफुली, जैसे कि हमारे इस केस में दिख रहा है एग्जाम फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको प्रिंट ये ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो भी आपकी प्रिंट की कॉपी होगी आपको इसे डाउनलोड कर लेना है अपने डेस्कटॉप के अंदर या फिर अपने फ़ोन के अंदर, और आपको ये जो है आपके क्लास टीचर या फिर मेंटर को कर देनी है सेंड। और बात आती है फीस की, जो हमें 600 रुपये इस फॉर्म के लिए दिखा रहा था वो आपको आपके मेंटर या फिर क्लास टीचर आपके इंस्टीट्यूट की जो भी फीस जहाँ पेड करते हैं उस कॉलेज की जो भी आपकी बैंक होगी वो आपके साथ में वो शेयर कर देंगे। बैंक डिटेल्स आपको उस बैंक पे उस पैसे को सेंड कर देना है या फिर पे कर देना है, और उसकी रिसिप्ट जो होगी इस फॉर्म के साथ इस PDF के साथ में आपको व्हाट्सएप कर देनी है या फिर आपके कॉलेज में जाके आपको वो सबमिट कर देनी है। आपका सक्सेसफुली जो भी एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो चुका है। यस फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में 100% शेयर कीजिए।